हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुंवर अनुभव। आज हम देखेंगे महिंद्रा की तरफ से आने वाली बुलेरो न्यू। वैसे दोस्तों, इस गाड़ी को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हर गांव में एक न दो दिख जाएंगी, क्योंकि काफ़ी फेमस गाड़ी है और कॉमर्शियल। दोस्तों, इसके कह सकते हैं कि ये प्राइवेट नंबर की कॉमर्शियल गाड़ी है। तो शुरू करते हैं इसके लाइट से। दोस्तों, यहाँ पर हैलोजन में दिया गया है हेडलाइट और इंडिकेटर भी हैलोजन में। दोस्तों, यहाँ पे टॉप मॉडल में आपको DRLs मिल जाएंगी दोस्तों, लेकिन इसमें क्रोम दिया गया है, इस वजह से कोई ख़राब नहीं लग रहा है। ये दोस्तों बेस मॉडल है, तो यहाँ पर ग्रिल आपको पूरे पियानो ब्लैक में दी जाती है, और टॉप मॉडल में यहाँ पर क्रोम में मिल जाएगी आपको। यहाँ पर क्रोम में सिर्फ आपको लोगो मिलता है, और दोस्तों इसमें आगे एक भी सेंसर नहीं दिया गया है। और यहाँ पर फॉग लाइट का स्पेस दिया गया है दोस्तों। ये स्कॉर्पियो डिज़ाइन आपको स्कॉर्पियो का ही एक तरीके से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है दोस्तों। और ये आपको ब्लैक कलर की ग्रिल, ये दोस्तों टॉप मॉडल में हल्का सिल्वर में मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छा रहता है। अब चलते हैं दोस्तों इसके साइड में, और दोस्तों इसकी बात करते हैं इसके टायर साइज़ की। दोस्तों, इसमें स्टील रिम मिलता है, लेकिन व्हील कवर दोस्तों ये मॉडिफाइड है, ये मतलब कंपनी से लगवाया गया है, इसके साथ ये नहीं आता है। और इसका टायर साइज है 215/75 R15 दोस्तों, इसका टायर साइज है। काफ़ी बड़ा टायर साइज मिलता है अपने सेगमेंट में, और दोस्तों एक रियल एसयूवी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बुलेरो वाला कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए इस पर ब्लैक पट्टी जोड़ दी गई है TUV के ऊपर। और दोस्तों, इंडिकेटर है ये, और पियानो ब्लैक में आपको ये मिलता है दोस्तों। ये काफ़ी ख़राब नहीं लगता, क्योंकि ये सूट करता है, ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने में। और यहाँ पर ब्लैक कलर में डोर हैंडल दिया गया है दोस्तों। इसका टॉप मॉडल में भी ब्लैक में आता है, क्योंकि दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को आगे तक दिखाना था। और इसमें फुट स्टेप लगा हुआ है दोस्तों, ये कंपनी से ही लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये आप एज ए एसेसरी इंस्टॉल किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, इतना बड़ा फ्यूल लीड शायद ही किसी गाड़ी में आपने देखा हो, मतलब कम गाड़ियों में आता है इतना बड़ा फ्यूल लीड। और चलते हैं इसके बैक साइड की ओर, और दोस्तों इसमें ये सब चीज़ें एसेसरीज के रूप में इंस्टॉल की गई है, और इस पर कोई रूप रील वगैरह नहीं आती है, ये सब एसेसरीज है, आपको ये नहीं मिलेगा दोस्तों। पीछे के साइड भी यहाँ पर बुलेरोनियो की बैचिंग की गई है, और यहाँ पर स्पेयर व्हील मिलता है स्टील रिंग में, और यहाँ पर N4 की बैचिंग। और दोस्तों, हैलोजन में है दोस्तों, पूरी लाइट हैलोजन में कॉन्सेप्ट में है। अब बात करते हैं इसके, और दोस्तों ये आपको मिलेगा, ये एसेसरीज वगैरह नहीं है, ये मिलता है दोस्तों पीछे से चढ़ने के लिए। और यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिलेगा, और 2 सेंसर्स मिलेंगे दोस्तों, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे, आप देख सकते हो। अब चलते हैं इसके पीछे वाले सीट पर। दोस्तों, कम्फर्ट की बात, दोस्तों चलते टाइम दोस्तों आपको एक ऐसे हचकश सा महसूस, मतलब अलग अजीब सा महसूस होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें इस तरह आमने सामने करके बैठना पड़ता है। और बैठने में तो दोस्तों पूरा कंफर्टेबल है, पहले वाले से इम्प्रूव कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों इसकी गहराई बढ़ा दी गई है, हाइट वही है दोस्तों। और आपको ऊपर देख सकते हो, ये नहीं मिलेगा आपको हेडरूम, लेकिन दोस्तों अंडर थाई सपोर्ट वगैरह अच्छा है। और यहाँ पर डोर खोलने के लिए ब्लैक में दिया गया है, और ये दोस्तों ये वुड लकड़ी लगाई गई है दोस्तों यहाँ पे अंदर से, इसके ऊपर एक पॉली कवर चढ़ा के अंदर से लकड़ी है, ये प्लास्टिक का है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर एक ये आपको सिस्टम दिया गया है, जिससे आपकी सांस वगैरह ना फूले, और अच्छा माइलेज के लिए भी है दोस्तों। अगर आगे की विंडो खुली रहती है तो हवा आने से यहाँ से क्रॉस हो जाती है, जिससे माइलेज अच्छा मिलता है। और अब चलते हैं इसके आगे की सीट की तरफ, यहाँ पर एक हैंडल दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हो। दोस्तों कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कोशिश है इसको छोड़ दोस्तों बार बार बोलना। तो चलते हैं, दोस्तों अब चलते हैं इसके सेकंड सीट पे। और दोस्तों, इसमें 4 पावर विंडोज़ आपको बेस वेरिएंट से ही मिलती है, और यहाँ पर एक हैंडल दिया गया है। और दोस्तों, इसके कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है दोस्तों, ये एकदम फुल पीछे है दोस्तों, उसके बाद ही आप देख सकते हो इतना स्पेस है। और तो दोस्तों, यहाँ पर एक बॉटल होल्डर मिला है मिलता है, और यहाँ पर
आपको स्पेस मिलता है, यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम नहीं है। और दोस्तों इसमें यहाँ पे ये हैंडल आपको पियानो ब्लैक में मिलता है और यहाँ पे ब्लैक कलर का डोर ओपनर मिलता है। और आप इधर देख सकते हो पूरा कंप्लीट, इसमें बम बहुत छोटा मिलता है दोस्तों, ये आप देख सकते हो बम्प काफ़ी छोटा है दोस्तों, यहाँ पर भी कंफर्टेबली बैठा जा सकता है, इसमें आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ड्राइवर के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट है, उसके बाद स्पेस ये देख सकते हो पूरा पीछे, पूरा पीछे होने के बाद भी दोस्तों पूरा बढ़िया स्पेस मिलता है। और इसमें आपको ये सीट बेंच फोल्ड भी नहीं मिलती क्योंकि टॉप मॉडल में ये ऑप्शन दिया जाता है आपको, और पीछे एसी वेंट वगैरह कुछ नहीं मिलता। हालांकि काफ़ी अच्छी गाड़ी मैं कहूँगा जिस प्राइस में आती है ये। और अब चलते हैं इसके फ्रंट सीट पे, दोस्तों काफ़ी रियल एसयूवी भी आप कह सकते हो। यहाँ पे जॉयस्टिक मिलती है आपको मिरर एडजस्ट करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर ये डोर ओपन है इधर वाला ये बता रहा है, और ये आरपीएम मीटर है दोस्तों, और ये आपका स्पीडोमीटर, यहाँ पर डिजिटल पैनल दिया गया है, और यहाँ पर की लगाने की जगह। और दोस्तों इसमें माइलेज को इम्प्रूव करने के लिए ये इको मोड दिया गया है, और ये भी दोस्तों एक तरीके ट्रैक्शन वगैरह कुछ कंट्रोल है। और यहाँ पर टॉप मॉडल में शायद यहाँ पर पुश स्टार्ट ऑफ की बटन लग जाएगी, ये लाइट लेवलर है, और ये डमी बटन है दोस्तों, और ये एसी का कंट्रोल है। और दोस्तों यहाँ पर एसी वेंट दिया गया है, यहाँ पर कोई क्रोम का या सिल्वर फिनिश का इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ पर किया गया थोड़ा सा, जो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। यहाँ पर ये सोनी का इंस्टॉल हुआ है कंपनी से, लेकिन ये आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता, ये जिसने भी ये ख़रीदा होगा या फिर जिसने इसको अपने स्टाफ से कस्टमाइज़ करवाया, इसको लगवाया है शोरूम से ही। और यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलता दोस्तों, और इसमें 5 गियर 1 रिवर्स साथ, और इसमें पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पर नहीं मिलता दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है। और ये मिरर लॉक, इसे चाइल्ड लॉक भी आप कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट, ये देख सकते हो 12 वोल्ट का सॉकेट, यूएसबी वगैरह कहीं पे नहीं दिया गया, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया गया। ग्लोब बॉक्स आप देख सकते हो थोड़ा सा कम है दोस्तों ये, और यहाँ पर माइक की स्पेस दिया गया है, लेकिन इसमें माइक नहीं है, हो सकता है ये लगवाने के बाद इसमें लग गया हो। तो आप यहाँ पर लाइट वगैरह भी देख सकते हो, और यहाँ पर टिकट होल्डर दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पर ये आपको मिलता है मिरर लड़कियों वाला काम, फालतू का कोई यूज का नहीं होता वो मिरर। और दोस्तों बाकी मैंने आपको सब बता दिया, इसमें ये थार वाली स्टेयरिंग मिलती है, और यहाँ पर वाइपर कंट्रोल वगैरह और लाइट कंट्रोल वगैरह, इंडिकेटर देने के लिए। और दोस्तों काफ़ी अच्छी गाड़ी है, माय मोस्ट फेवरेट, बिकॉज दोस्तों इसकी रीसेल कभी कम नहीं होती, चाहे 10 साल पुरानी हो जाए, चाहे 15 साल, बाकी गाड़ियों में रीसेल बहुत तेज़ी से कम हो जाती है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इंजन स्पेसिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा।